हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रीमन एंट्रीगल से जुड़ा हुआ एक नहीं दो थ्योरम, दो थ्योरम एक ही में इस वीडियो में मैंने बनाए हैं, और रीमन सम से जुड़ा हुआ ये थ्योरम है। तो क्या कहती है स्टेटमेंट थ्योरम की, थ्योरम नंबर टू है। इससे पहले मैंने फर्स्ट थ्योरम मैंने रीमन सम से जुड़ा मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पर भी जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट की, वो क्या कहती है थ्योरम की स्टेटमेंट। इफ P1 एंड P2 आर टू पार्टीशन, अगर हमारे पास P1 और P2 और दो पार्टीशन है ऑफ AB, क्लोज इंटरवल AB, सच दैट जो P1 कंटेन कर रहा है P2 के अंदर, देन अपर P2F जो होता है वो इक्वल या फिर छोटा होता है अपर P1F से, या और LP2F या फिर लोअर P2F जो होता है वो बड़ा या फिर इक्वल होता है LP1F से। ये चीज़ हमें शो करनी है। तो इस चीज़ को शो करने से पहले मैं आपको अगर आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे कभी भी मिस ना हो। तो देखिए, जैसा कि स्टेटमेंट बता ही रखा है कि जो P1 है वो कंटेन कर रहा है P2 के अंदर, इसका मतलब ये होगा देन P2 इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ P1 है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में रिफाइनमेंट के बारे में बता रखा है, और P2 इज फाइनर देन PV, यानी कि P2 के अंदर P1 कंटेन हो रहा है, यानी कि P2 फाइनर है किससे, P1 से। तो इसका मतलब है एवरी पॉइंट ऑफ P1 इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग P2, जो P2 को बनाने के लिए सारे के सारे जो पॉइंट P1 में यूज हो रहे हैं वो सारे किस में यूज हुए हैं, P2 में हुए। इसका मतलब ये है P1 कंटेन कर रहा है P2 के अंदर। तो सपोज हमारे पास दो पार्टीशन हमने बनाए हैं, एक पार्टीशन P1 है, तो हमारे पास जो क्लोज इंटरवल AB है और उसी के अंदर पार्टीशन बिलोंग करता है, यानी कि A जो होगा वो X0 होगा और XN जो लास्ट वाला है वो B होगा, उसके अंदर और भी पार्टीशन बन जाएंगे X1 X2 ऐसे ही, इधर से बन जाएगा XR-1 XR और इधर से XN से पहले XN-1। सिमिलरली वो पार्टीशन 2 भी बनेगा, लेकिन पार्टीशन 2 में पार्टीशन 1 पूरा बिलोंग करेगा क्योंकि P1 कंटेन कर रहा है P2 के अंदर। तो ये सारे चीज़ वेरी कर, मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा ले लिया है Y1, तो यहाँ से एक इंटरवल और ज़्यादा हो गया है, जैसे XR-1 के अंदर मैंने Y1 ले लिया है इसके अंदर। तो इस चीज़ को मैंने बाई फिगर भी दिखाया है और इसकी हमें ज़रूरत भी पड़ेगी अभी। कैसे, देखिए आपका ये पार्टीशन P1 है, ये आपका कोई फंक्शन बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, ये आपका पीक है या इस पॉइंट पे आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, सुप्रीमम है, इसे कैपिटल MR से दिखाते हैं और मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू मिलेगी इस इंटरवल के अंदर मिलेगी XR-1 XR के अंदर मिल रही है। और तो और आपका जो लिमिट है, सॉरी जो आपका पार्टीशन एग्जिस्ट कर रहा है वो X0A से XN इसको B के अंदर कर रहा है, तो ये आपका हाइस्ट पीक पे मिल रहा है, तो ये आपका MR है, ये पार्टीशन P1 हुआ। लेकिन मैंने अभी बात करनी है पार्टीशन P2 की, और पार्टीशन P1 कंटेन कर रहा है P2 के अंदर, यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं वही चीज़ होंगी, वो सारी चीज़ें P2 के अंदर भी होंगी, तो वही फिगर है। अब मैंने थोड़ा XR-1 XR के अंदर एक इंटरवल मैंने और ले लिया है, ये देखिए यहाँ से Y1 ले लिया, तो देखिए यहाँ से तो आपका MR था ही था। अब हम जब इंटरवल बड़ा है XR-1 Y1 हुआ है, तो इसके अंदर कोई वैल्यू मिलेगी, जो नई वैल्यू हाई स्पीक पर इधर मिलेगी वो मिलेगी M-R, और इधर जो वैल्यू मिलेगी वो होगी M-R। लेकिन अगर ध्यान से देखें जो वैल्यू है वो हाईस्ट पीक पर कौन सी हमारी, सुप्रीमम MR है, जो M-R है वो छोटी है MR से, और M-R जो आ रहा है वो भी छोटी है MR से। तो हमारे पास जो नई इंटरवल बननी है XR-1 Y1 और Y1 XR, यानी कि जो P1 पूरा का पूरा वो कंटेन हो रहा है P2 के अंदर, यानी कि ये जो पार्टीशन P2 है वो फाइनर है ना P1 से। तो जो चित्र हमने अभी देखा इसका हमें अभी यूज़ करना होगा, तो फिगर का हमें ध्यान रखना होगा। अब देखिए हमें शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट कि अपर P2F लेस देन या फिर बराबर होगा अपर P1F के, या फिर जो LP2F होगा वो बड़ा या फिर बराबर होता है LP1F के, ये चीज़ हमें शो करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊपर वाला को शो करते हैं, पहला वाला थ्योरम अपर वाला शो करते हैं। तो अपर जो P1 होता है, अपर P1F आप जानते हैं रीमन सम से,
तो ये समेशन आर इक्वल्स टू वन से लेकर एम तक होता है कैपिटल एम आर डेल एक्स आर, ये एम आर सुप्रीम के लिए होता है कैपिटल एम आर। तो आर का मान एक से लेकर एम तक है, देखिए आ जाएगा, रखेंगे समेशन में वैल्यू पुट करेंगे एम वन डेल एक्स वन प्लस एम टू डेल एक्स टू, ऐसे ही चलेगा, लेकिन एम आर डेल एक्स आर और लास्ट में एम एन डेल एक्स एन। और डेल एक्स आर की वैल्यू क्या कितनी है इंटरवल में देखिए, डेल एक्स आर की वैल्यू है एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन, और आपको पता भी होना चाहिए जो डेल एक्स आर होता है वो होता है एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन, ये होता है। तो बाकी में वैल्यू हम नहीं रखेंगे, बाकी भी हम खोल सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं रखेंगे वो अभी आपको पता चल जाएगा, सिर्फ इसी इंटरवल को मैंने खोला। देखिए डेल एक्स आर की जगह क्या रख दिया मैंने, इसको रिपीट कर दिया था, तो डेल एक्स आर की वैल्यू क्या रख दी एक्स आर माइनस वन, बाकी प्रीवियस और लास्ट वैल्यू सेम की सेम है। सिमिलरली हम बात करेंगे अपर पी टू एफ की, वो कहाँ से कहाँ तक होगी, वो भी आर बराबर एक से एन तक एम आर डेल एक्स आर। पार्टीशन टू की हम बात कर रहे हैं सुप्रीम के लिए, तो एम वन डेल एक्स वन एम टू डेल एक्स टू, ऐसे ही जब हम पार्टीशन टू लेंगे तो हमारे पास जो सुप्रीम वैल्यू है वो दो हैं, एक दो, तो हमारे पास दो इंटरवल नए आएंगे, ये और ये। देखिए यहाँ पर लिखे मैंने एम डेस आर और साथ ही साथ आएगी वैल्यूज भी पुट कर दी, वाई वन माइनस एक्स आर वन, ठीक, प्लस फिर क्या जाएगा एम डबल डेस आर और साथ ही साथ क्या जाएगा एक्स आर माइनस वाई वन प्लस और लास्ट में एज इट इज एम एंड एलेक्शन, ये हमने रख दिया। तो ऊपर वाला इक्वेशन ए था, नीचे वाला इक्वेशन को सर बी मान लिया, अब हम क्या करेंगे इक्वेशन ए में से इक्वेशन बी को माइनस कर देंगे, तो अपर पी वन एफ माइनस अपर पी टू एफ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो सेम सेम वैल्यूज है ये सब ये सारे क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, ये सारे माइनस में होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये और ये तीन टर्म आपके सिर्फ बचेंगे। तो वही इधर लिख लेते, जब हम अपर पी वन एफ माइनस अपर पी टू एफ करेंगे माइनस करेंगे सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा माइनस ये बार बचेगा और ये वाला बचेगा। और अभी मैंने आपको मेंशन किया था जब मैंने ग्राफ समझा रहा था आपको कि जो एम डैश आर है वो छोटा है एम आर से और एम डबल डैश आर जो है वो भी छोटा है एम आर से। तो जब हम एम डैश आर और एम डबल डैश के आर पर वैल्यूज पुट करेंगे एम आर के रूप में तो क्या होगा, तो वही मैंने लिखा है कि इट इज़ क्लियरली बाई फिगर एम डैश जो आर है वो छोटा या फिर बड़ा इक्वल हो सकता है एम आर से, और यही चीज़ इसमें भी हो सकती है एम डबल डैश छोटा या फिर बराबर हो सकता है एम आर, उससे बड़ा नहीं हो सकता, कहने का मतलब ये है। तो देखिए जो एम डैश हमारे पास प्रीवियस इक्वेशन ये थी ना, तो हम क्या करेंगे लास्ट इसके बाद कि एम डैश आर और एम डबल डैश आर की प्लेस पर एम आर पुट कर देंगे। जब हम एम आर पुट करेंगे तो ये इक्वल का साइन हटकर इधर ये लग जाएगा, साइन तो इधर हो रहा है लेकिन इधर क्यों लग रहा है मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ। सपोज़ कीजिए आपके पास एक माइनस दो है, ठीक है, एक माइनस दो है और यानी कि ये माइनस का वन है। अब आप क्या कर रहे हैं एक माइनस दो में से माइनस दो और करेंगे ना तो आएगी ये वाली बड़ी वैल्यू, जैसे माइनस दो था ये आपका माइनस तीन आ रहा है, लेकिन बड़ी वैल्यू कौन सी होती है ये होगी ना, पहले बड़ी थी अब हम कुछ और माइनस करेंगे तो ये तो और छोटी हो जाएगी। इसका मतलब ये जो चीज़ पहले जितना भी था जब हम ये वैल्यूज के रूप में रखेंगे तो ये वैल्यूज इधर की ओर हो जाएगी साइन, तो ये आ जाएगा आपका एम आर एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन माइनस एम आर, इसकी प्लस भी रख दिया और इसकी प्लस भी रख दिया। अब सब में से क्या कॉमन है एम आर कॉमन है, एम आर कॉमन ले लेंगे, अंदर वाले टर्म बच जाएंगे ऐसे कैसे और सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे माइनस करके, तो ज़ीरो आ जाएगा, समथिंग इंटू ज़ीरो इज ज़ीरो, यानी कि अपर पी वन एफ माइनस अपर पी टू एफ इज ग्रेटर एन इक्वल ज़ीरो। तो आप अपर पी टू एफ माइनस कहें तो उसे उठाकर इस तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो जो पहला प्रूफ हमें करना था वो हमें मिल जाएगा, अब बस आप एंड में ये मेंशन कर देंगे कि कैपिटल एम आर क्या होता है सुप्रीमम ऑफ फंक्शन इन इस इंटरवल के अंदर होता है फॉर पी वन, एम डैश आर है सुप्रीमम ऑफ फंक्शन इस इंटरवल के अंदर पी टू के लिए और एम डबल डैश आर है इस इंटरवल के अंदर फॉर पी टू के लिए। ये तो पहला थ्योरम प्रूफ किया अभी हमने, अब हमें दूसरा थ्योरम प्रूफ करना है और दूसरे थ्योरम में भी सेम प्रोसेस यही है, बस चित्र का ध्यान रखना है। अब हमें बात करनी होगी इन्फीमम की, हाँ मैम इन्फीमम की बात करनी होगी तो सबसे पहले बात करते हैं लोअर सम एल पी एफ यानी लोअर सम। तो आर बराबर एक से लेकर एन तक स्मॉल एम आर डेल एक्स आर होता है,
तो फिर से समेशन में रख देंगे, तो एम वन डेल एक्स वन एम टू डेल एक्स टू प्लस एम आर, यहाँ मैंने स्मॉल एम आर लिखा है, फिगर दूसरा बनेगा। अब हमें बात करनी होगी इन्फिमम की, इन्फिमम जहाँ सबसे कम मिलता है, बाकी सब कुछ फिगर वही बनेगा, लेकिन अब पीक पे नहीं, अब लोएस्ट पे बात होगी। तो एम आर डेल एक्स आर प्लस एम एन डेल एक्स एन, तो डेल एक्स आर के प्लेस पे क्या जाएगा, एक्स आर माइनस वन यहाँ रख दिया हमने, इसे इक्वेशन सी मान लिया। अब हम बात करेंगे एल टू एफ, वही सूत्र दोबारा। फिर अब जब हम पार्टीशन टू की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारे पार्टीशन पी वन पार्टीशन पी टू के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, यानी कि दो नई चीज़ें आएंगी एम डस आर डेल एक्स आर, और जो दूसरा आएगा वो एम डबल डस आर डेल एक्स आर। तो इसके प्लेस पे क्या जाएगा, इसके प्लेस पे तो वही आ जाएगा वाई वन माइनस एक्स आर माइनस वन, और इसके प्लेस पे क्या जाएगा एक्स आर माइनस वाई वन, जैसे हमने प्रीवियस थ्योरम में किया था वैसे हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। करने के बाद इसे इक्वेशन क्या मान लिया डी, अब फिर से वही काम, इक्वेशन सी में से इक्वेशन डी को क्या कर देंगे माइनस, तो मतलब माइनस कर देंगे, सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा ये एम आर, एम डैश आर वाला बचेगा और एम डबल डैश आर वाला बचेगा। और आपको फिर से पता होता है जो एम डैश आर होते हैं वो बड़ी या फिर इक्वल होती है एम आर से, इसी प्रकार जो एम डबल डैश आर होता है वो भी बड़ी या फिर इक्वल होती है एम आर के। तो हम क्या करेंगे, और अब की बार क्या करेंगे, चूँकि इन्फिमम की बात हो रही है तो साइन इस तरफ नहीं इस तरफ लग जाएगा, इस तरफ, तो साइन इस तरफ आ गया, और एम डैश आर के प्लेस पे भी हमें एम आर लिखना है, और एम डबल डैश आर के प्लेस पे भी एम आर लिखना है, और साइन फिर इस तरफ मुड़ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या करेंगे, आप ले लेंगे कॉमन, तीनों स्टेप में से एम आर क्या ले लेंगे कॉमन, तो आपका अंदर बचेगा एक्स आर माइनस वन माइनस वाई वन प्लस एक्स आर माइनस वन माइनस एक्स आर प्लस वाई वन बचेगा, और सारा कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ जीरो बचेगा, एम आर इन टू जीरो इज ज़ीरो, यानी कि ये एल टू एफ जो माइनस का था वो उधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। तो आपको जो प्रूफ करना था सेकंड प्रूफ वो भी मिल जाएगा आपको, और लास्ट में एंड में आप क्या मेंशन कर देंगे कि एम आर एम डैश आर एम डबल डैश आर आपकी इसे इस पार्टीशन के अंदर बिलोंग करती है और इस इंटरवल के अलॉन्ग बिलोंग करती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और ये दो थ्योरम ज़रूर समझ में आए होंगे, अगर फिर भी कोई आपके मन में दुविधा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे आपका सपोर्ट यूँ ही मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।